तो ये वीडियो हमारा पार्ट नंबर 2 का कंटिन्यूएशन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सवाल मेरा उस वीडियो और इस वीडियो में सेम है कि सर पार्टनरशिप बिजनेस अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है और पार्टनरशिप अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को कैसे बांटता है। ये दो सवाल था, करेक्ट। आइए शुरू करते हैं। सारे बेसिक्स बात हमने सीख लिया है पार्ट नंबर 2 के पहले वीडियो में। ये पार्ट नंबर 2 का दूसरा वीडियो है, करेक्ट। तो देखिए, अगर इस वीडियो का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको पार्ट नंबर 1 देखना चाहिए। सर दो बातें हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। किसके लिए? सर पार्टनरशिप फर्म के लिए। आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने सारे अकाउंट्स बनाने वाले हैं, चाहे वो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, पीएल अकाउंट हो, ये सारे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे? पार्टनरशिप फर्म के, करेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आइए, तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म पीएल अकाउंट इसलिए बनाता है ताकि पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके। एक बार रिवाइंड करूं आप लोगों को, यस सर। अगर किसी सोल ट्रेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास कोई एक बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना था तो वो क्या बनाते थे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट एंड लॉस डेट मीन सरप्लस और डेफिसिट चेक करना होता था तो वो क्या बनाते थे? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सुंदर। उसी तरह अगर पार्टनरशिप को देखना होगा कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या नहीं तो क्या बनाना होगा? बिल्कुल सेम सोल ट्रेड जैसा सर पीएल अकाउंट बनाना होगा। पीएल अकाउंट कौन बनाएगा? सर पार्टनरशिप फर्म। कैसे बनाएगा? जितने सारे पार्टनरशिप के एक्सपेंसेस होते हैं उसको एक साइड लिखेगा और जितने सारे इनकम होते हैं उन सबको एक साइड लिखेगा, और अगर इनकम ज्यादा हो गया एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया और इनकम से तो लॉस। सर लिखा नहीं आपने, चलो लिख देता हूं, बाई नेट लॉस। मेरी बातों को समझे। पार्टनरशिप बिजनेस को अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो पीएल अकाउंट बनाएगा। सर कैसे? बिल्कुल उसी तरीके से। जरा देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, जितने सारे एक्सपेंसेस है सर कैसे बनाता है ये तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं याद, सॉरी मतलब आपको याद है, मैं रिवाइज करा देता हूं। यहां देखिए, पीएल अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द गेन्स। सर ये आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे ताकि 11th की चीजें आपको याद आ जाए, करेक्ट। तो देखिए, पीएल अकाउंट बनाने का एक ही नियम है, जितने सारे खर्चे डेबिट में डालो और जितने सारे इनकम डेबिट में डालो। अरे ये किसके खर्चे और किसके इनकम? सर पार्टनरशिप फर्म के खर्चे डेबिट में और पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस क्रेडिट में, और दोनों को कंपेयर कर दो। इनकम ज्यादा खर्चा कम प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा इनकम कम लॉस। किसके? पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनर्स के नहीं नलायकों। ये पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्टनर्स के बारे में आएंगे ना, सबर करो। तो इधर देखिए जरा, पार्टनरशिप फर्म के अगर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो, चाहे डिस्काउंट हो, बैड डेट हो, डेप्रिसिएशन हो, स्टेशनरी हो, जो भी खर्चा जो होता है, सारे खर्चे को किधर लिखेगा? डेबिट में। क्यों? क्योंकि एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में क्या लिखा होता है? देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो ये पार्टनरशिप का जितना खर्चा होगा वो कहां लिखेगा? डेबिट में। और क्रेडिट में क्या लिखेगा? जितने सारे इनकम होंगे, करेक्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा किसका? रे पार्टनरशिप बिजनेस का। अब ये देखिए, तीन एक्सपेंसेस को जरा मैं देख लेता हूं, जो ब्लू कलर से लिखा है। यहां देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी एक तरह का पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है। कैसे? अभी देखिए, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं। कोई भी पार्टनर्स है, करेक्ट, अगर एडवांस करता है लोन पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को क्या देता है? लोन देता है। तो ये पार्टनरशिप फर्म उस पे इंटरेस्ट किसको लौटाएगा? पार्टनर्स को उठाएगा। यहां देखिए, पार्टनर्स अगर इसको एडवांस करता है लोन किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म इसको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, जो कि इसके लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस है। कोई वादा नहीं करता, ये पार्टनर्स को चाहिए ही चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। वो वादा नहीं है, ये वादा नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे ना, ये कोई वादा नहीं है, क्लियर है, करेक्ट। तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो हमने इसे यहां लिख दिया। एक बार मैंने रिपीट करा दिया, ये अलग टाइप का थोड़ा एक्सपेंसेस था। और देखिए, रेंट टू पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स के प्रेमाइसेस में हो रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस को रेंट देना होगा किसको? पार्टनर्स को। तो ये भी एक तरह का स्पेशल एक्सपेंसेस हो गया जो अभी तक आपने नहीं देखा था। तो जो अलग है वो मैंने लिखा दिया, जो अलग टाइप का एक्सपेंसेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक्सपेंसेस है। किसके लिए? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए।
रेंट टू पार्टनर्स, मैनेजरियल कमीशन। अगर मैनेजर को कमीशन देना पड़ रहा है, क्या पार्टनर्स को? अरे नहीं रे, मैनेजर को। तो वो भी क्या है? एक्सपेंसेस है। बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आप जानते हैं, सब एक्सपेंसेस है। ये दो तीन अलग है तो मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये सारे क्या है भाई? एक्सपेंसेस। इधर क्या होंगे? इनकम। अभी ये ज्यादा तो क्या आएगा आपको? नेट प्रॉफिट। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा अकाउंट बनाएगा? सर पीएल अकाउंट। करेक्ट। कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया सर। नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा लिखेगा डेबिट साइड, इनकम लिखेगा क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट और लॉस निकाल देगा। खत्म। आगे चलते हैं। अब बहुत गौर से मेरी बातों को सुनिए। पार्ट टू के वीडियो नंबर वन में जो वादा था उसको मैं एक बार रिपीट करता हूं। यहां देखिए, ये सारा लिखा हुआ है यहां पे। पार्टनरशिप फर्म वादा करता था पार्टनर्स को कि अगर अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर प्रॉफिट हुआ तो, बोलो बोलो तुम भी बोलो, ऐसे बोलो और सीखो। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या दे रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म इसको दे रहा था क्या? सैलरी कमीशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो, है ना, प्रॉफिट देते समय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काट रहा था कौन? पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट। बातों को सुनना, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, तो उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? पार्टनर्स में बांटोगे। तो किस लेजर का सहारा लेना होगा? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग वादा अकाउंट बोलेंगे, वादा अकाउंट बोलेंगे। इस अकाउंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो सर ये क्या था? इस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकाला जा रहा था, प्रॉफिट बांटा नहीं जा रहा था। अरे गजब। हाँ, प्रॉफिट बांटा नहीं जा रहा था, प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा रहा था। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, ठीक है। और इस प्रॉफिट इस अकाउंट में क्या होगा? इस अकाउंट में क्या होगा? प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि सर इधर भी प्रॉफिट उधर भी प्रॉफिट। ना 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 ना, उधर हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था पीएल अकाउंट के सहारे, जिसमें खर्चा और इनकम लिखता था, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? सर थोड़ा तेज हो गया। अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एक अच्छी बात बताओ ना, सर बताओ ना, सर बताओ ना, नहीं बताएंगे। अरे बताओ ना, सुनो, आपको पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में कहीं ये पीएल अकाउंट बनाना नहीं होगा। वाह, कैसे? तो फिर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ पार्टनरशिप फर्म को? वेरी गुड। ओए सुन, ये प्रॉफिट आपको हमेशा दिया रहेगा, 99% क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ये नहीं भी दिया रहे तो एक दो खर्चा, यही सब रेंट टू पार्टनर, मैनेजरियल कमीशन, ये सब खर्चा आप निकाल के तुरंत निकाल लोगे। मतलब कि नेट प्रॉफिट आपको दिया रहेगा। आपको बनाना ही नहीं पीएल अकाउंट, आपको क्या बनाना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट। लेकिन आपको जानना जरूरी था कि ये पीएल अकाउंट बनता कैसे है और क्यों बनाते हैं। करेक्ट। बनाते क्यों है सर? अरे प्रॉफिट निकालने के लिए, और प्रॉफिट बांटने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ जरा इसको भी सीख लेते हैं। सुनो, इसको भी बनाने का रूल बिल्कुल सेम। इधर देखो, पीएल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन, ये दोनों कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या? अभी मैंने बताया था, जितने सारे एक्सपेंसेस डेबिट में फेंको और जितने सारे इनकम क्रेडिट में फेंको। सर रख दो, बात समझो यार। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस आप किधर लिखोगे? डेबिट में। और जितने भी गेन्स है उसको कहां लिखोगे? क्रेडिट में। तो यही रूल अप्लाई करके आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखो, सबसे पहले आप पीएल अप्रोप्रिएशन में इधर क्रेडिट लिखोगे और इधर डेबिट लिखोगे। आपको यही अकाउंट बनाना है, ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमेशा। अब वादा का टर्म क्या था, एक बार याद करना। अगर प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट हुआ तो क्या ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा? हाँ सर। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो चल निकल, नहीं बनेगा। सर क्यों? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में तो हम लोग प्रॉफिट को बांटा करते हैं। अरे प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो किस बात की बटाई? हाँ, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कौन से वादे? करेक्ट। तो प्रॉफिट होगा तब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। टाटा बाय बाय। समझे बात? तो इधर देखिए, आप पीएल अकाउंट बना के जो प्रॉफिट निकालेंगे उस प्रॉफिट को आप कहां बांट देंगे? इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये तो इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट साइड में लिखिए। अब इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? जिनको जिनको आपने वादा किया था उनको बोलेंगे लाइन में लग, लाइन में लग, लाइन में लग, लाइन में लग। करेक्ट। एक पार्टनर आएगा कि आपने मुझे वादा किया था कि जब मैंने आपको कैपिटल दिया था तो आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा जब प्रॉफिट होगा तो। हाँ मैंने वादा किया था। आज के दिन आपको प्रॉफिट हुआ है? हाँ हुआ है। तो क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? जरूर देंगे यार। तो देखो इधर देखो, तो पार्टनर्स के लिए जल्दी से बताओ, मैंने मिटाया नहीं है, आप चीटिंग भी कर सकते हो। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस होगा ना।
तो एक्सपेंसेस को किधर लिखते हैं, देखो जल्दी से, डेबिट साइड। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड हम लोग क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंप्लीट, समझ गए। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस किसके लिए, सर पार्टनरशिप फर्म के लिए। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, सर पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। गजब। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, पार्टनर्स को मिला क्या था, सैलरी और कमीशन। ये सैलरी और कमीशन के लिए क्या था वादा, देखो वादा था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो देखो प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट यहां रखा है, तो फिर से जो लाइन में लगा हुआ है पार्टनर्स, मैं उसे क्या दूंगा, सैलरी और कमीशन दूंगा वर्किंग पार्टनर को, है ना। तो जल्दी से बताओ, सैलरी और कमीशन पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम या एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस। तो अगर उसके लिए एक्सपेंसेस है तो किधर साइड लिखेगा, सर डेबिट साइड। तो देखो दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, सैलरी टू पार्टनर्स, करेक्ट, कमीशन टू पार्टनर्स। ये किसके लिए खर्चा है, सर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो आपने किधर लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया। बहुत अच्छे से समझे आप। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भैया यहां पे तो पार्टनरशिप फॉर्म की मौज है। यहां देखो, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या था, इनकम था, और इनकम मतलब किधर लिखना है, देखो गेन को किधर लिखना है, क्रेडिट साइड। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, दैट मींस गेन के साइड में लिख देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि सर ये पीएल अप्रोप्रिएशन बनना कैसे है, पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे आप डेबिट साइड लिखोगे, और पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनकम होंगे उसे आप किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए इनकम था, लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए इनकम था, लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड में। और पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस था, डेबिट साइड लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन सैलरी एक्सपेंसेस था, डेबिट साइड लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन सॉरी कमीशन टू पार्टनर्स खर्चा था, यहां लिख दिया। और किसी तरह का अगर कुछ रिजर्व वगैरह बनाना होगा, ये आप क्वेश्चंस में देखोगे, तो उसे भी हम यहां पे टू रिजर्व लिख देंगे। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो पार्टनर्स को बांट देंगे, कौन से रेशियो में, पीएसआर रेशियो में। सर ये क्या होता है, अरे आगे वीडियो के लिए भी कुछ रहने दो। पीएसआर रेशियो मतलब वही रेशियो जिस रेशियो में प्रॉफिट बटा करता है, तो यहां पे ये बांट लेंगे। तो क्या आपने इस बातों को बहुत अच्छे से समझा कि सर आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे और क्यों बनाओगे, ताकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, किसको, पार्टनर्स को। पीएल अकाउंट आपने क्यों बनाया, ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए, करेक्ट। सर कैसे बना, सारे खर्चे लिख दो डेबिट में, सारे इनकम लिख दो क्रेडिट में, किसका, पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स के खर्चे को नहीं लिखने का, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये जितने सारे खर्चे होते हैं, और ये सब अप्रोप्रिएशन। हालांकि इन दोनों का डिफरेंस मैं अगले वीडियो में लाने वाला, तो मैं एक बार इस पूरे वीडियो को सम अप करता हूं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म पीएल अकाउंट कैसे बनाता है, सारे खर्चे को डेबिट, सारे इनकम को क्रेडिट, और निकालता क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, करेक्ट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो, ये वादा मैंने क्यों कराया था, अभी समझ में आया, वेरी गुड। अगर प्रॉफिट हुआ तो मतलब जब प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको बनाने का नियम बिल्कुल सेम, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का एक ही नियम है, सारे खर्चे को डेबिट, सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेट प्रॉफिट क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट में लिख दिया। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म के व्यू से क्या है, इनकम है, तो ये दोनों चीज क्रेडिट में आ गया, और डेबिट में मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस और पार्टनर्स के लिए इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर कुछ रिजर्व रहा तो दे दो और बाकी बांट लो। तो अभी इन दोनों वीडियोस में हमने पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन को बहुत ही अच्छे से लॉजिक के साथ सीखा। आने वाले वीडियोस में हम इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।